Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. तो guys, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि सोकर ही नहीं उठ पा रही थी मैं. सुबह से साहिल मुझे उठाए जा रहे हैं क्योंकि आज साहिल को शॉपिंग करनी है. उनको भी मेरी मैचिंग की आउटफिट चाहिए, मतलब लाइक जो कलर मेरी आउटफिट का है वैसा ही उनको भी कुछ चाहिए. तो उन्होंने बोला अपना तो बड़ी जल्दी लेने चले गए थे, आज मेरी टर्न है तो उठ ही नहीं रहे हो. तो मैंने बोला यार मेरी ना नींद पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि आज रात को फिर मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना है. तो मुझे ऐसा हो रहा था कि पहले ही पूरा सो जा और मेहंदी लगवाते आपको पता है 12 बजे के बाद का फास्ट स्टार्ट होने वाला है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार. और अभी जो कल आउटफिट हमने ली है उनके लिए मेजरमेंट के लिए उन्होंने हमें बोला है कि एक बार आपको आना पड़ेगा क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टाइट या लूज़ होता है तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि उसको दोबारा से हम लोग फिक्स करा पाएँ. मैंने कहा यार क्या क्या करना है. तो पहले हम लोग जाएंगे साहिल के लिए आउटफिट लेने, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी आउटफिट का जो भी हम लोगों ने दिया हुआ था फिटिंग के लिए उसको लेने, फिर उसके बाद जो चीज़ें रह जाएंगी वो भी हमें देखनी है, और लास्ट में रात को लगवाएंगे हम मेहंदी. तो अभी जस्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम जा रहे हैं मम्मा के घर पे क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के लिए मम्मा ने बहुत टेस्टी सा लंच बनाया है. पहले लंच करेंगे, फिर वहाँ से मेरा भाई विवेक और काजल और हम सब जाएंगे फिर उनकी शॉपिंग करने क्योंकि आज विवेक और साहिल का डे है क्योंकि उन्होंने कल हम सबको शॉपिंग कराई है, आज इन दोनों को हम शॉपिंग कराएंगे. हाँ जी भूफी, आपको भी लेकर जाएंगे. भूफी को जाएंगे मम्मा के पास लेकर, तब तक हम लोग शॉपिंग करेंगे, मम्मा उसकी केयर करेगी. तो चलो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं. मिला नहीं, ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा मिल जाए. आज आप काम नहीं करके आए ना? नहीं, आज मैं जल्दी में था ना शॉपिंग करने. शॉपिंग वही सेम कलर होना चाहिए. ये तो क्यों है हमने जो चले, ये भी ब्लैक भी अच्छा है. देखना मैं ढूंढती हूँ. यार वो कलर ना बहुत डिफिकल्ट सा है, मुझे भी पता नहीं कैसे लहंगे में मिल गया. नहीं ये वाले कलर नहीं है. हाँ सिमिलर है कुछ ट्राई करके देखो. अब आप साइज तो तभी पता लगेगा यार, ट्राई करके देखना है. और उसकी फिटिंग भी तो करानी है ना फिर. वो ऊपर से ट्राई करेंगे ना सर. नहीं अंकल जी फिटेड ही चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए. वो दिखा दो अंकल. हाँ साहिल ये सही लग रहा है, देख लो आप ट्राई करके. मिल गया इतनी जल्दी आपको सेम कलर. ओए कितने अच्छे से लग रहे हो. फिटिंग भी ठीक है, कराने की नीड नहीं है. हाँ नीड तो नहीं लग रही मुझे भी. हाँ आपके फिट ही आया, हल्का सा लूज लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, देखो तो. हाँ सही. गाइस तो अभी आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे लहंगे का कलर भी यही है. हम चलो इसका वो नीचे का भी पहन के देख लो. नीचे का नहीं यार प्लीज. यार तभी तो पता लगेगा. नीचे की तो फिटिंग करने की नीड ही नहीं होती ना. फिर भी मेरे को देखना है पूरा सेट. शू निकालने पड़ेंगे फिर मेरे को. चलो फिर मत देखो मुझे क्या फिर. आप नॉर्मल शू ना, पैंट है. फिर भी लॉन्ग लूज कुछ ऐसा नहीं. नहीं नहीं ठीक है, यही पैक करा लो फिर. ठीक है पहन के नहीं देखूंगा फिर, इतनी जल्दी पहन के खड़े हो गए. अब पूरा दिखाओ. आपने बोला है ना एकदम परफेक्ट. चलो पैक करा लो. थैंक यू. ये अच्छा लग रहा है देखो. गाइस ये सारे मेरे कपड़े. झूठी मेरी. सिर्फ एक डेनिम तेरी है, बाकी सारे साहिल बताना इसकी कसम ये नहीं है. चलो यार मेरे जो है वो मेरे दिखाओ. ये तो तेरे ही है, मैंने पसंद किया. तेरी है तो. हाँ ये मेरे लिए लायो ना आप. ये तीनों आपके. अरे ये परफ्यूम ये भी आपके है. दिखाना कौन सा है. ओ यार नाइस. ये मेरा. ये क्या लिए आपने. अच्छा लग रहा है. अरे एक मुझे वो चाहिए साहिल, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था ना वाइन कलर में, वो और दिला दो आज. गाइस ये मुझे गिफ्ट दिला. चलो चलो जाओ.
चलो चलो ले ले। अच्छी लगी बहुत ही गंदी। चला आपका फोन मिल गया। हाँ दोबारा बोलो। फोन मिल गया बोलो नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। अरे ये लो। हाँ वही ये ले। काजल तू बता कैसा लग रहा है। साइल दिखाओ। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ले लो। गर्ल्स टाइप तो नहीं लग रहा बट है तो बॉयज नहीं। ये लेंगे पहले तू बता तो सही। अच्छी लग रही है ले लो फिर साहिल ले लो। हाँ ले लिया सारा सामान। हाँ ले लिया। अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये वोफी के पास जा रहे हैं गाइस और अभी मेरी शॉपिंग रहती है। बाय बाय। अरे इनका जो मास्क है ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो बाय बाय। तूने मेरे लिए क्या लिया काजल? अरे अरे बहुत ब्यूटीफुल सी इसने स्लीपर्स लिए हैं मेरी और मम्मा की। घर जाकर दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा थक गए हैं यार। करवा चौथ वाली फील नहीं आ रही है। शादी वाली फील आ रही है। और ऐसा लग रहा है मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। मेरा ना जो लहंगा है वो अभी भी नहीं मिला है। उन्होंने अभी भी थोड़ा बोला है कि एक दो घंटे और चाहिए। वैसे भी शॉप्स वगैरह तो 8-9 o'clock तक क्लोज हो जाती है बट अब नहीं हो रही है। कल भी हम लोग 12:30 बजे आए थे ना साहिल। 12:30-1 बजे तक ओपन है। तो चलो वो तो कोई बात नहीं। बाकी आपने देखा ही जो आज पूरे दिन में हम लोगों ने किया। रात हो गई है नींद मुझे आ रही है लेकिन नहीं सो सकते हैं क्योंकि करवा चौथ स्पेशल मेहंदी जो लगवानी है। तो मैंने उन भैया को बोला था घर पे आने के लिए तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं तो 2 बजे के बाद आ सकता हूँ। मैंने कहा भैया मैं खुद ही आ जाती हूँ क्योंकि मुझे नींद भी आती है मुझे ब्लॉग भी एडिट करना होता है। तो अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने और आज मैंने सोचा है कि जो साहिल का फेस है ना प्रॉपर वो अपनी मेहंदी पे ऐसे टाटे बन जाता है। साहिल असली की बात नहीं है। सच में इस हाथ से मेरा फेस बनेगा इस हाथ से साहिल का फेस बनेगा। और मैंने बहुत सुंदर सा डिज़ाइन जो बेटा हम दूसरे घर में नहीं बैठते हैं वूफी पूरे व्लॉग 365 डेज तो हमारे ड्राइंग रूम में निकलवा दे। हाँ ठीक है आ रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने फिर आपको दिखा यॉन कर रहे हैं फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी मेहंदी लगी है। तो वहीं जाकर आपको मिलते हैं। अगर हम वहाँ पे शूट कर पाए तो ज़रूर करेंगे नहीं कर पाए भीड़ की वजह से तो देखो जब मेहंदी लग जाएगी उसके बाद आपको दिखा दूँगी। तो फिर चलो नींद आ रही है मेरी बहुत तेज आ रही है। ये डे है इससे शादी है कल मेरी। चलो यार एक बार ये ब्रेसलेट्स निकाल दो। फाइनली विजय भैया जिनके पास आए हैं और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है। मुझे नहीं भीड़ लग रही है आज पर फिर भी ये फटाफट लगवाएंगे। इतने सारे बंदे आपके लिए आए क्या? उधर ना बहुत ज्यादा भीड़ थी तो हम लोग इधर बैठे। हां ये भी ठीक है पर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि हम दोनों के हाथों पे सड़ रहे हैं। टीचिंग भी आ रही है तो पहले ही कर लो दोनों हाथ बंद। आज तो दोनों हाथ एक साथ हो जाएंगे ब्लॉग आपके। भीड़ देखो ना कितनी है। तो ज्यादा ही है। अभी तो कम हो गई। कितने बजे आए आप? 1 बजे। 1 बजे जैसे ये चलनी मैं वो देखते हुए जान रहा हूँ। विजय भैया ने खुद डिसाइड किया है ये। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये है विजय भैया जो सबसे अच्छी मेहंदी लगाते हैं पूरी दिल्ली में। उन्होंने ये डिज़ाइन मेरे लिए पसंद किया है तो अब हम ये लगवाने वाले हैं है ना। चलो गाइस फिंगर क्रॉस और दिखाते हैं फिर कैसा बन के आता है। दूसरे हाथ पे हम बता नहीं रहे हैं क्या करने वाले हैं क्योंकि भैया ने बोला है वो सरप्राइज है। ठीक है महीने नहीं स्टार्ट होते हुए पीछे से कमेंट्री करना हुए हाँ मेरे को कमेंट्री करनी पड़ेगी क्या? 50% लगने देते हैं फिर डिज़ाइन समझ आएगा। ठीक है
कैसी अभी लग रही? इतनी बनी है देखो, और वो वाली देखो, इन्हें इतनी आदत हो गई है पता क्या करते हो हर बात में। इंटरेस्टिंग बन रही है ना, अभी तब पूरी बनेगी तब देखना। क्या लिख रहे हैं? टेक्स्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं उस पे। आता हूँ मैं, पूजा की ताली लिख रहे हैं। मजाक कम करो, पढ़ो उस पे क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ो उस पे क्या लिखा हुआ है। हाथों में पूजा की थाली, वही तो मैं कह रहा था आपको, हाथों में पूजा की थाली लिख रही है। देखो देखो ना, देखो कैसे लग रहा है। सुनो अभी सुखाने को बोला है तो पीछे लगेगी, ये देखो आपका नाम। ओ फिर से आपने करा, ओ अच्छा लग रहा है आपकी बात तो। थोड़ा सा लाइट नजदीक लाइएगा, वो लाइट आनी वो वाला, लेकिन ये मोबाइल के लाइट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा गजब। आ जाती है मीना, पुष्प की मावटी है मीना।